नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये तरीका होता था पहले के जमाने में न्यूज पढ़ने का, यू नो 70s 80s देन 90s आल्सो, लेकिन वो इतना बोरिंग होता था कि एंकर खुद ही बीच में सो जाता था। इसीलिए चैनल्स ने न्यूज बताना छोड़कर न्यूज बनाना शुरू कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि फेक न्यूज बनाने की रेसिपी जो होती है वो कैसे होती है। गूगल से एक चम्मच पुरानी फोटो को बारीक कटे यूनेस्को की दलील में घोल के मिलाइए, फिर थोड़ी देर तक घटिया फोटोशॉप की धीमी आंच पर उसे पकाइए, अब स्वाद अनुसार नेशनलिज्म का नमक डालिए, बिल्कुल ऐसे। अब सर्व कीजिए इसको सोशल मीडिया के लंगर पर, जिसमें भिखारी आएंगे और इसे खाते हुए डकार लेंगे। तो आओ सुनाएं जाली समाचार की ये कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माय एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। फेक न्यूज डेमोक्रेसी के लिए वायरस की तरह है और फेक न्यूज को कहानी घर घर की बनाने में काम किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। 2017 के एंड तक ना इंडिया में, आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप में 20 करोड़ यूजर्स, फेसबुक के 24 करोड़, यूट्यूब के 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं अभी एज आई टॉक। 2020 तक जो है ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा मैंने आपको बताया डबल हो जाएगा और साथ ही डबल हो जाएगा फेक न्यूज का ये पूरा साम्राज्य। ना फेक न्यूज की वजह से और क्या क्या चीजें हो सकती है आपको बताता हूँ। डिजिटल इंडिया है ये, यहां पर फेक न्यूज फैलाई गई चाइल्ड ट्रैफिकर्स के बारे में। नाउ ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पूरी न्यूज है, जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक मॉब लिंचिंग के 69 केसेस सामने आए हैं, जिसमें 99 लोग घायल हुए हैं, 33 लोगों को भीड़ ने मार दिया। मार दिया मतलब ऐसा व्हाट्सएप पे आया चाइल्ड ट्रैफिक में, अच्छा ये आदमी देखो मालूम है क्या, हाँ 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 हाँ, भीड़ होगी चल मारते उसको। यानी कि कोई भी ऐरा गहरा पांचवी फैलना व्हाट्सएप पे आपके बारे में कुछ भी लिख दे और उसको शेयर कर दें और वो एकदम सनसनीखेज हो तो आप गए। आप 2016 में देख लीजिए जेएनयू में यही हुआ था, कन्हैया कुमार केस है उसी चीज के, मतलब एकदम केस स्टडी है वो, आप इस बारे में सर्च कीजिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पता नहीं क्या क्या था, जो कि बाद में मजिस्ट्रेट ने खुद कहा था दिल्ली में कि नहीं भाई ये डॉक्टर्ड वीडियो है। ये थोड़े टाइम से ना जो पूरा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया इज लाइक सरदार खान, और सरदार खान की तरह ये सबकी कह के ले रहा है और हम लोग जो है यहाँ पर पीयूष मिश्रा बन के नरेशन दे रहे हैं। एक बगल में चांद होगा ढक, फ्री इंटरनेट के साथ कम्स लॉट ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन और इसी फ्री इंफॉर्मेशन ने सबको जर्नलिस्ट बना दिया। सब जर्नलिस्ट आजकल जहां देखो व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ के, अरे तेरे को मालूम है क्या वहां जो हुआ था ना, वो एक्चुअली क्या था मालूम है, वो ऐसा था, तेरे को कहां से मालूम पड़ा, व्हाट्सएप पे पढ़ा ना मैंने। सिर्फ आप लोग नहीं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, जर्नलिस्ट ये भी फेक न्यूज के पकड़ में आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल के एक एमएलए हैं, इन्होंने ना एक भोजपुरी फिल्म का ना स्क्रीनशॉट ले लिया और लिख दिया, एटा देखो एक मुस्लिम जो है वो हिंदू महिला का मोलेस्ट कर रहा है, एटा एमएलए बाजी को थक करो ना, मोरे पड़े रूबी रोए कविता तुम्हें लोग मारेंगे पत्थर फेंक के कुछ भी फैलाओगे तो। बहुत ही बेहतरीन, हाँ रेल मंत्री, इन्होंने रशिया की फोटो ली, फैला दी, बोलते हैं कि अरे देखो भाई इंडिया की सड़कें कितनी खूबसूरत है अरे वो रसिया बाका है, ओके इंडिया बतावत है। लेकिन हद तब हो जाती है जब व्हाट्सएप के मैसेज के आधार पर दिल्ली सरकार ने स्कूल को नोटिस भेज दिया, क्योंकि व्हाट्सएप भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों की फीस माफ कर दी है। तो उठ खड़े हुए केजरीवाल साहब, मैं कह रहा हूं अगर होना है तो कर दे, तो करना, माफ करना। आम आदमी पार्टी को उस दिन समझ में आया कि सिर्फ वो लोगों की नहीं काट रहे, उनकी भी कट सकती है। मतलब जिस बात को एक सिंपल गूगल सर्च से पता किया जा सकता है उसके लिए इतनी बड़ी बकैती क्यों कर रहे हो भाई। फेक न्यूज ना जंगल में आग की तरह होती है और कैसे लगती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई फेक न्यूज शेयर की क्योंकि वो आपको आई थी, आपको अच्छा लगा, क्या बात कर रहा है ऐसा, फिर आपने उसको शेयर कर दिया, आपने दो लोगों को शेयर किया, उन्होंने और दो लोगों को शेयर किया और देखते देखते शेयर होते होते वो इतने लोगों में शेयर हो गया कि बड़ी बहन पता भी नहीं चला कि शेयर हो गया। फेक न्यूज जो है ना वो सोशल मीडिया का बाजार बन चुका है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको बाजार हूं, क्योंकि कुछ तो लोग शेयर करेंगे, लोगों का काम है शेयर करना। आप कैसे शेयर करते हो एक बार उसको देखो पढ़ो क्या मतलब बन रहा है फिर शेयर करो। फेक न्यूज ज्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से अब शेयर किया जाने लगा है, वजह बहुत ज्यादा है। वजह क्या क्या आपको बताते हैं। क्रमांक एक, हैशटैग पॉलिटिक्स। महाभारत देखिए, द्रोणाचार्य बैटिंग कर रहे थे, पांडवों की टीम को वो धो रहे थे एकदम खटाखट खटाखट, तभी पांडवों के कोच कृष्ण आए, उन्होंने कहा
अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे। द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा मेरा बेटा गया और बेचारे खुद रिटायर्ड हर्ट हो गए, इमोशनल हो गए। कृष्ण ने झूठ नहीं बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा इनका बेटा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था वो मारा गया। लॉल। सिमिलरली कट टू आते हैं आज के डेट में, हमारा ध्यान एक्चुअल इश्यूज से हटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज फेक न्यूज का सहारा लेती हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्शन के दौरान जिस पार्टी के फेवर में जितने ज्यादा फेक न्यूज होते हैं उसके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन्होंने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के एक सर्वे में बताया कि प्रो ट्रंप फेक न्यूज को फेसबुक पे 30 मिलियन बार शेयर किया गया। प्रो क्लिंटन फेक न्यूज सिर्फ 7.6 मिलियन टाइम शेयर की गई थी। प्रो क्लिंटन मतलब हिलरी भौजी। यानी जो जितना हगेगा उसको उतना ही खाने को मिलेगा। फेक न्यूज फैलाने के लिए वजह क्रमांक दो, हैशटैग बिजनेस मॉडल। 2016 में मैसेडोनिया के कुछ स्टूडेंट्स ने फेक न्यूज से लाखों रुपए कमाए, जिसके लिए क्लिक बेट का सहारा लिया है। अब क्लिक बेट क्या होता है वो पहले बता दूं। क्लिक बेट होता है लॉलीपॉप दिखा के आपको पास बुलाना। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे स्क्रोल कर रहे हैं, अचानक आपको एक थंबनेल दिखाई देता है वहां पे और उसमें लिखा हुआ है, देखिए सनी की गर्मा गर्म वीडियो जिसमें सनी टॉपलेस है। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हो सनी देओल नजर आते, कुत्ते देख ले मुझे बिना शर्ट के, और आपका टंटनाया हुआ बिल्कुल केएलपीडी होके न। क्योंकि लोग ट्रंप के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए हर तरफ सिर्फ ट्रंप की न्यूज थी, जिसका सीधा फायदा ट्रंप को हुआ। वजह क्रमांक तीन, हैशटैग कॉम्युनल डिफरेंसेस। इंडिया में फेक न्यूज नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन चुका है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2013 के मुजफ्फरनगर रायट्स। वक्त मिले तो प्लीज गूगल पे जाइए और इसके बारे में पढ़िए, समझ लिए। जहां एक वीडियो शेयर किया गया और ये बोला गया कि दो हिंदू लड़के एक मुस्लिम लड़के को मार रहे हैं, बाद में पता चला कि वो वीडियो मुजफ्फरनगर का ना तो था ना तो इंडिया का था, वो पाकिस्तान का वीडियो था। वहां के वजीर आजम देखें कि उन लड़कों उन बच्चों का क्या करना है, यहां पर मुजफ्फरनगर चल गया। फेक न्यूज ना, इट्स नॉट लाइक सारा अली खान, अभी लॉन्च नहीं हुई है कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना। इट्स लाइक निरुपमा रॉय, जैसे रोम ना, रोम में जो सम्राट थे वो बूढ़े होने के बाद ना अपनी जवानी को दिखाने के लिए अपनी मूर्तियां बनाते थे, उसे हलकट जवानी छलकती थी, ऐसे ऐसे वैसे बैठते थे, इधर ये लटकता था और अलग जगह से बहुत कुछ लटक रहा था। जब दुनिया में अखबार और प्रिंटिंग प्रेस आए तो पीछे पीछे फेक न्यूज भी आया। 1835 की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पर ना न्यूयॉर्क सन में एक खबर छपी, चांद पे लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क के लोग जैसे उन्होंने पढ़ा चांद पे लोग रहते हैं, साले टेरेस पे मोमबत्ती लेके खड़े हो गए, ए नीचे मोमबत्ती लो, या तो अपने नाक में डाल लो या फिर कहीं घर में रख दो। 1914 में भी वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए ना एकदम गजब का फेक न्यूज फैलाया, बोला अरे भैया आर्मी ज्वाइन करो, वर्ल्ड वॉर होने के बाद हम आपको यूरोप के एडवेंचर ट्रिप में भेजेंगे, बंदूक लेकर चले गए ट्रिप पे जाएंगे। देखो, जनता का दिल हो, सत्ता की कुर्सी हो या युद्ध का मैदान, सबको फेक न्यूज से जीता जा चुका है। इंडिया में भी फेक न्यूज का हिस्ट्री ऐसे बहुत नया नहीं है, पहले माउथ टू माउथ होता था, मतलब वर्ड ऑफ माउथ होता था। जैसे 2001 में आपको बताऊं, पुरानी दिल्ली में ना मंकी मैन का कहर बरसा, रात में लोगों को एक मंकी मैन जाता है और नोच लेता है, गजब, मतलब है ऐसा कोई तो है मंकी। अब तो सरकार को भी समझ में आ गया है कि फेक न्यूज के इस मच्छर को तालियों से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए उन्होंने अब कड़े नियम व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए बनाए हैं, जिसके बाद फेसबुक ने पोस्टकार्ड जैसे कई सारे फेक न्यूज के जो वेबसाइट्स थे उनको डिलीट कर दिया। व्हाट्सएप ने भी कुछ ऐसे फीचर्स अपडेट किए हैं कि फेक न्यूज की बारिश में छाता खुल जाए और वो ना फैले ज्यादा। अब वो क्या क्या है आपको बताता हूं। भाई और बहनों, किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज पे फॉरवर्डेड लेवल होगा, आप एक मैसेज भाइयों और बहनों केवल 5 लोगों को फॉरवर्ड कर पाएंगे। फेक वेबसाइट्स के लिंक्स पर सस्पिशियस नोटिफिकेशन अलर्ट लगा दूं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगा दूं तो आज रात्रि 8 बजे से ये भी होगा। लेकिन ये सारे ऑप्शन जो है लॉलीपॉप जैसे हैं, फेक न्यूज तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक हमें उसके सोर्स का पता नहीं चलेगा। लेकिन फेसबुक चाचा की जो बहन है व्हाट्सएप बुआ, उनकी माने तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से ना वो लोग ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक नहीं कर सकते। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब अगर मैंने कोई मैसेज लिख के आपको भेजा तो मैं उसका सोर्स हूं, लेकिन अगर वही मैसेज आपने किसी और को भेजा तो आप सोर्स हो जाएंगे।
उसके बाद मेरी चिट्ठी, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में, इस पॉलिसी में थोड़ा बदलाव लाए। एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने से व्हाट्सएप मोहल्ले की वो आंटी बन जाएगी जिसको पता तो होगा कि कौन कब क्या बात कर रहा है, किसके घर में जा रहा है और कौन से नल पे अपनी प्लम्बिंग जोड़ के आ रहा है। अब ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे लोगों की प्राइवेसी के ऊपर पड़ता है। फेक न्यूज रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी तो है ना, उसके तौर पे हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे आए किसी भी मैसेज को मतलब ऐसे मत पढ़ो कि हाँ यही सच्चाई है, क्योंकि इट्स लाइक KRK के मूवी रिव्यूज जो होते हैं ना वो बायस्ड होते हैं ना, तो वैसे ही ये न्यूज भी होती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये न्यूज और इमेज सही है तो एक बार गूगल पे सर्च कर लो, क्या जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कोई भी मैसेज अगर हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव है किसी के भी बारे में तो मान लो कि वो फेक ही है, क्योंकि किसी को नीचे गिराने या महान दिखाने के लिए उसे बनाया गया है। सुबह के बाद सीधा शाम नहीं होती, हर कोशिश नाकाम नहीं होती और बिना कुछ किए बेटा मुन्नी बदनाम नहीं होती। तो अगली बार सोच समझ के शेयर करिए, वरना हो सकता है कि जिस वीडियो को आप ऐसे ही किसी ग्रुप में शेयर करते हैं उससे कोई सच मान लेगा। जैसे कुछ लोग को लग रहा है कि राहुल गांधी अगले PM बनेंगे। भैया भैया ये वीडियो करके मजा आया और मैं ये मजा और लोगों को देना चाहता हूं, इसलिए मैं कहूंगा भैया कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू हैपीफाई। ये है जनहित में जारी। एवरीथिंग दैट आई सेड इन दिस वीडियो इज अ सजेशन, प्लीज फॉलो इट। नमस्कार।